दोस्तों आज की रेसिपी है ब्रेड ऑमलेट टोस्ट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। रेसिपी के लिए हमने तैयार किया है चौके हुए टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया पत्ता। ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 अंडे। अंडे में हमने नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हम अंडे में डालेंगे चौके हुए टमाटर, प्याज, हरा धनिया पत्ता और ग्रीन चिलीज। अब इन सारी चीजों को अंडे के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। दोस्तों हमने ब्रेड के बीच वाला हिस्सा गोल गोल स्लाइसेस में काट के निकाल लिए हैं। अब बारी है तवे में स्लाइसेस को रोस्ट करने की। हमने स्लाइसेस को रोस्ट करने के लिए बटर का इस्तेमाल किया है। और अब हम स्लाइसेस के बीच वाले होल में डालेंगे अंडे का मिश्रण। और अब स्लाइसेस के राउंड शेप में कटे हुए हिस्से से होल को बंद करेंगे। स्लाइसेस को तवे में अच्छी तरह सेक लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्लाइसेस को उलट पुलट करके हमें रोस्ट करना है ताकि एक साइड ओवर कुक ना हो जाए। हमने बीच में थोड़ी और बटर का इस्तेमाल किया है रोस्ट करने में ताकि स्वाद थोड़ी और बढ़ जाए। तो लीजिए दोस्तों, हमारे ब्रेड ऑमलेट टोस्ट प्लेटिंग के लिए तैयार। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। हमने ब्रेड में थोड़ी सी चिली सॉस से मैरिनेट कर दिया है ताकि स्वाद में थोड़ी सी तीखापन और चटपटाहट महसूस हो। दोस्तों इस रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो घर के किचन में आसानी से मिल जाता है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग का नाश्ता हो, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे एक और नई रेसिपी के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।